नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 13 मई की सुबह 9 बजे से या दोस्तों यह समय से ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है। ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके कारण दुर्लभ संयोगों का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय गुरुवार का दिन होगा, अर्थात भगवान श्री विष्णु जी का दिन होगा और यह समय अंतराल में इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बड़े चमत्कार होंगे। जय दोस्तों, और यह समय आपके जीवन से सारी आर्थिक तंगियां भी खत्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके करियर के क्षेत्र में कुछ ऐसे ही आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। कुछ ऐसे रुके कार्यों में गति आने वाली है जिनसे आपका आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर होने वाली है और घर का माहौल भी इसमें खुशनुमा रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री विष्णु जी अपने भक्तों के जीवन में हमेशा कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव करते हैं जिनसे उनका मन भी प्रसन्न रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समय और ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इसी में दोस्तों आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में अंतराल में बदलते ग्रहों के चाल के साथ आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जी लिखेगा, गुरु जी का और भगवान श्री हरि विष्णु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय अपनी व्यस्तम दिनचर्या से कुछ समय अपने परिवार और संबंधियों के लिए अवश्य निकालें। इसी दोस्तों आप तनाव मुक्त और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। अपनी प्रतिभा के दम पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में भी यश में कामयाब रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से जो है ओझल हो सकती है। प्रत्येक कार्य को ठंडे दिमाग से सोच विचार करके ही करें। साथ ही बच्चों की समस्याओं के समाधान में अपना अवश्य सहयोग दें, ये आपके लिए अवश्य होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि भावनात्मक रूप से जो समय है आपके लिए आपको सकारात्मक महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी विचार या फिर भावनाएं आपके लिए तकलीफदायक हो रही थी दोस्तों उनको जीवन से दूर करना आपके लिए यह समय संभव हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए आपके प्रयत्न यश में जारी रहेंगे, फिर भी वक्त का लिहाज याद रखना भी आपके लिए यश में अत्यंत आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी धार्मिक कार्य के प्रति आपकी रुचि रहेगी, संतान की किसी एक्टिविटी से स्वयं को गर्वित महसूस करेंगे, खर्चों की अधिकता भी रहेंगी परंतु ये खर्चे कुछ बेहतर और भविष्य संबंधी शुभ योजनाओं के लिए होंगे, इसलिए घबराए नहीं। और इसके साथ ही दोस्तों कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की प्रवृत्ति से इसमें आपको दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों खुद को आर्थिक स्वरूप से सबल बनाने की आपकी कोशिश इसमें सफल हो रही है, लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वजह से व्यक्तिगत बातों को नज़रअंदाज करना आपके लिए इसमें भविष्य में तकलीफदायक रह सकता है। इसलिए दोस्तों रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि ये आपके भविष्य संबंधी सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें किसी सामाजिक संस्था में आपके अच्छे सहयोग की वजह से आपका इसमें मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। आप अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ नए क्रियाकलापों और ज्ञानवर्धक बातों को सीखने में भी अपना समय व्यतीत करेंगे। आपके व्यक्तिगत में यश में निखार आने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आर्थिक समस्या के कारण आपको अपनी कुछ योजनाएं स्थगित भी करनी पड़ सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित कोई अशुभ सूचना मिलने से मन में कुछ जो है वैराग्य जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
इसके साथ ही दोस्तों यशोमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बनते हुए काम अचानक बिगड़ने की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का सामना भी करना होगा। फिर भी परिस्थिति को पूरा समझकर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपकी किसी गलती की वजह से ही आपको यह असफलता मिली है, इसे मिटाने की कोशिश आपको फिर से करनी होगी। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय काफी समय बाद घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा वातावरण में रहेगा तथा एक दूसरे के मेल मिलाप बेहतरीन दिनचर्या से राहत आपको देने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय से आप स्वयं का आत्म अवलोकन करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपके सामने आएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अवांछित लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखने आपके लिए उचित रहेंगे। कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने का इसमें प्रयास भी करेंगे। अपना व्यवहार संयमित रखें, क्रोध और आवेश में स्थितियां ज़्यादा बिगड़ सकती है तो इन पर आपको जो है रोक लगानी चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में फिलहाल आपको परिस्थिति के सामने झुकना पड़ेगा। यदि बातें अधिक नकारात्मक हो रही हो तो दोस्तों अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करें। जिन व्यक्ति से अधिक नकारात्मकता प्राप्त होती है, ऐसे लोगों से कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको मिल रहे जो है अपयश की वजह से लोगों द्वारा हो रही आलोचना भी आपकी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल है, इसलिए दोस्तों दिन की शुरुआत होते ही आपको कार्य संबंधी रूपरेखा बना लेना चाहिए ताकि दोस्तों समय का अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। परंतु नौकरी तथा व्यवसाय में ध्यान रखें कि किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई दिक्कत भी आ सकती है, इस कार्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों व्यवसाय की बाधाएं काफ़ी हद तक आपकी दूर भी होंगी, परंतु आर्थिक स्थिति मंद रहने की वजह से आत्मविश्वास भी आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है, लेकिन इसमें आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है। आगे आपका सफलता इंतजार कर रहा है दोस्तों, बशर्ते आपको इसमें ध्यान रखते हुए आपको उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होगी जो कि आपको सफलता के राह पर ले जाने वाली है। दोस्तों नौकरी में आपके जो भी कार्य हैं उच्चतर परिणाम भी इसमें हासिल करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी शुरुआत व्यक्तियों को अपनी मनपसंद अथॉरिटी मिलने से शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जिसमें प्रमोशन की भी उम्मीद है। व्यवसाय में यह जो समय है आपके लिए अतिरिक्त आय की भी शुभ स्थितियाँ बन रही है। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी और बिजनेस में का माहौल जो है अपने अनुकूल बनाने में आप सक्षम रहेंगे। सौंपी हुई जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप यश में बहुत ही बखूबी तरीके से करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो समय है आपके लिए हो सकता है कि कोई दिक्कत आने पर आप अपने वसूलों और फिर सिद्धांतों से कुछ समझौता भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, परंतु घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी पारिवारिक समस्या का जो है समस्या को लेकर तकरार रह सकती है, परंतु आप जो है अपने सूझबूझ द्वारा उसका असर पारिवारिक सुख शांति पर नहीं पड़ने देंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अफेयर्स के मामलों में आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपनी कोई गुप्त बात बाहर आ सकती है जिसका दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। घर का माहौल भी शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा, परंतु जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे को लेकर हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, तो दोस्तों यश में आपको इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों यश में मौसम की वजह से कोई एलर्जी होने की आशंका बन रही है, बिना वजह लोगों से मेल जोल ना रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सिर में भारीपन तथा मनोबल में कमी महसूस करेंगे। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए आपको यश में ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत घुटनों और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है, बदलते मौसम से अपना बचाव करें तथा व्यायाम और योगा का भी जो है समय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।